हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ओ लेवल में इंटरनेट सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। इंटरनेट में अक्सर ये पूछा जाता है फायरवॉल क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप पिछले वो सॉल्ट पेपर उठा के देखेंगे ना, तो ये फायरवॉल लगभग हर ईयर में पूछा गया है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको बेसिक से अगर इंटरनेट सीखना है तो आप मेरी सारी वीडियोस देखनी चाहिए, पीछे की बेसिक से मैंने इंटरनेट पूरा पढ़ाया है। एक एक सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आपको ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप आई टी टूल्स की देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप आई टी टूल्स को देख सकते हैं। आई टी टूल्स में मैंने भी बेसिक से पढ़ाई हैं सारी चीज़ें, वो भी हिंदी में। फायरवॉल क्या होता है एक्चुअली में, तो फायरवॉल क्या है कि यह एक कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारे कंप्यूटर है उसे सुरक्षित रखता है। किससे बचाता है, हमारे वायरस को, वायरस से, जो बाहर से जो वायरस आते हैं उससे हमें ये बचाता है हमारे कंप्यूटर को। और जो हैकर्स होते हैं वो हमारा कंप्यूटर हैक नहीं कर सकते हैं अगर हमारे में फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। बेसिकली अब पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। तो अब इसे हम पूरी एक्सप्लेन करते हैं कैसे है, कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लिखते हैं, यह कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को, मतलब कि किससे बचाता है, हैकर्स और वायरस से बचा कर रखता है, ठीक है। फायरवॉल एक तरह की क्या है, सुरक्षा योजना है। यह क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में रहता है या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में भी रहता है, ठीक है। जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, जैसे भी हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो ये क्या होगा, यह फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को हैकर्स और वायरस से बचाता है। उदाहरण के तौर पर, जब कभी हम कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज़ कर किसी वेबसाइट में जाते हैं, हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ वीडियोस देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें डाउनलोड भी करते हैं, इन सब के अलावा इंटरनेट पर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का और हैकर्स द्वारा हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तभी कोई भी हैकर हमारे कंप्यूटर को हैक कर पाएगा, अन्यथा वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये फायरवॉल उससे हमें बचाता है, क्योंकि हम इंटरनेट से जैसे कनेक्ट होते हैं तो हैकर्स एक्टिव होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर को हैक भी कर सकते हैं, वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे क्या, फायरवॉल क्या करेगा, हमें बचा लेगा, उससे हमारे कंप्यूटर को वायरस आने का खतरा नहीं होगा, ठीक है। जिसको फायरवॉल रोकता है वो कंप्यूटर में चारों तरफ क्या करता है, एक दीवार खड़ी कर देता है, ताकि कंप्यूटर में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर अंदर आकर अपने आप इंस्टॉल ना हो जाए और कोई अनवांटेड फाइल कंप्यूटर में ना आ जाए, जिसकी वजह से कंप्यूटर पर वायरस का अटैक हो सकता है और वह सारा डेटा डिलीट कर सकता है, ठीक है। फायरवॉल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर आने के लिए जगह देता है जिसको यूज़र आने के लिए इजाज़त देते हैं, जिससे इसके अलावा कोई भी मालवेयर मीन्स भी वायरस होता है या सॉफ्ट वायरस को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है। फायरवॉल में जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो पहले स्कैन करता है, ठीक है। तो ये फायरवॉल का काम होता है। फायरवॉल कितने प्रकार का होता है ये भी देख लें और इसके एडवांटेज देखते हैं। पहले एडवांटेज ऑफ फायरवॉल, यदि हमारा कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से नेटवर्किंग के द्वारा जुड़ा है, जो मैंने अभी पहले बताया था, नेटवर्किंग के द्वारा जुड़ा है और हम ऐप फाइल शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ऐप की फाइल है, वो हम क्या कर रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो क्या होगा, तो उस टाइम फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आने वाले वायरस से भी बचाएगा। जैसे हमारे कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर सही, हम दूसरे के कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो उसके कंप्यूटर में वायरस है, तो वो क्या करेगा, फायरवॉल अगर उस कंप्यूटर में से हमारे में वायरस जो आना होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। जब हम कोई फाइल शेयर करेंगे, तो आपको पता है दोनों कंप्यूटर काम करेंगे तभी तो फाइल शेयर होगी, तो उस कंप्यूटर में अगर वायरस है तो हमारे में आ सकते हैं, अगर हमारे में फायरवॉल इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। ऐसी सेवाएं या आक्रमण संभावित से बचाता है, ऐसी सर्विसेज जो अटैक हैं, मतलब कि जो बाहर से आने वाली हैं उनसे हमें बचाता है। नेटवर्क के उपयोग तथा दुरुपयोग का पूरा लेखा जोखा रखता है, यह नीति एग्जीक्यूशन करता है। नेटवर्क में होस्ट के एक्सेस को पूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है, होस्ट का जो एक्सेस है वो पूरी तरह से नियंत्रित किया। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है, जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन को रोक देता है और अंदर आने के लिए उससे इजाज़त मांगनी पड़ती है पहले, ठीक है। तो हार्डवेयर फायरवॉल, टाइप्स ऑफ फायरवॉल में आता है, फायरवॉल में आता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, आजकल सभी राउटर्स में पहले से मौजूद रहते हैं,
हार्डवेयर फायरवॉल मतलब कि जो पहले से ही मौजूद रहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल में, मानो जिसका काम क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस को जाने से रोकना, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कमरे में 10 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जैसे एक ये रूम है, इसमें एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर ये किससे जुड़े हुए हैं, एक हार्डवेयर फायरवॉल एक हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होगा, या जो जिस राउटर या मॉडेम का यूज़ किए करके हम जोड़ेंगे, किसी कंप्यूटर को कैसे जोड़ सकते हैं, राउटर या मॉडेम का यूज़ करके जोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें फायरवॉल को इनेबल कर दिया जाता है। तो जितने भी कंप्यूटर उस राउटर के साथ जुड़े हैं या फायर उस मॉडेम के साथ जुड़े हैं, तो उनमें क्या होगा, उन सभी में अपने आप फायरवॉल काम करना शुरू कर देगा। और जब भी कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट पर कुछ भी काम किया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फायरवॉल कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखेगा। ठीक है, ये हो गया। और यदि कंप्यूटर में कहीं से भी वायरस आ जाता है और वायरस उस कंप्यूटर से निकल कर दूसरे कंप्यूटर तक ना पहुंच सके, इसका भी ख्याल फायरवॉल अच्छे से रखता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल में नए जनरेशन के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे विंडोज़ 7, 8, 10 जो हमारे में चल रहे हैं, विस्टा XP आदि में फायरवॉल पहले से ही इनबिल्ड होता है। मैंने बोला ना, सॉफ्टवेयर फायरवॉल अब पहले से ही आने लगे हैं। ठीक है, पहले से इंस्टॉल होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहते हैं, क्योंकि हमारे में सिक्योरिटी बढ़ी रहती है इससे, ताकि कंप्यूटर पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। आप चाहें तो कंप्यूटर में इसकी सेटिंग को देख कर, सेटिंग में हम जाके क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल का एक काम यह भी होता है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर या गेम्स को इंस्टॉल करते हैं, तो एक पॉपअप बॉक्स हमारे कंप्यूटर में दिखता है, जिसमें फायरवॉल यूज़र से परमिशन मांगता है कि क्या आपको इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। अगर हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता तो हम यस करते हैं, अन्यथा हम नो कर देते हैं। विंडोज़ फायरवॉल ने इस कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब हम चाहें तो उस ऑप्शन को टिक करके उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, अन्यथा हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल इसी तरह से कंप्यूटर से हमारी सुरक्षित हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, हमारे पर्सनल डेटा को हैकर्स और वायरस से बचा कर रखता है। तो ये हमारा पूरा था हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, फायरवॉल की डेफिनेशन और एडवांटेज फायरवॉल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ओ लेवल करना है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।